गुड मॉर्निंग क्लास फोर। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 11, पाठ का नाम है काल। ठीक है ना, पाठ का नाम क्या है? काल। हम देख रहे हैं ना, ये पिक्चर बनी देख रहे हैं ना, तो लड़कियां बात कर रही हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेसन नेम क्या है? काल। सुनीता, क्या तुम कल देर से सोई थी? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। उसकी सहेली पूछ रही है सुनीता से, सुनीता क्या तुम कल देर से सोई थी? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। हाँ अनीता। अब सुनीता अनीता ने पूछा सुनीता से, सुनीता जो अनीता को जवाब दे रही, आंसर दे रही। हाँ अनीता, मैंने कल देर रात तक पढ़ाई की, परंतु आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। वो बता रही है कि हाँ अनीता, मैंने कल देर रात तक पढ़ाई की, परंतु आज मैं जल्दी सोऊंगी, जो कि आंखें लाल ना हो गई। अब देखिए ऊपर दो सहेली अनीता सुनीता बात कर रही थी, पिक्चर देखिए आप, हमने पढ़ाई की। अब देखिए उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द, अब देखिए ये तो ब्लैक से दिखाया ना, ये कलरफुल है, तो इसी को बताया गया। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सोई थी, हो रही है, पढ़ाई की, सोऊंगी, ये क्या है? क्रियाएं हैं, क्योंकि ये काम करेंगे ना भाई, सोई वो भी काम हुआ, और आंखें लाल हो रही हैं, पढ़ाई की, सोऊंगी वो भी काम होगा, ठीक। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के होने का समय समय अलग अलग है, हर का समय, भाई रात में इंसान सोता है, पढ़ाई दिन में करता है, माँ जी स्कूल तो दिन में ही जाते हैं ना, तो इन क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है। काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। बोध मतलब मालूम होना, ज्ञात होना। एक बार हम लोग क्रिया की परिभाषा फिर से पढ़ते हैं, काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब देखिए हेडिंग पढ़िए, काल के तीन भेद होते हैं। ये हेडिंग है, देखिए काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक, कौन कौन से काल होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल। पहला नंबर है भूतकाल, है ना, बीता हुआ समय भूतकाल का है, मतलब जो बीत गया, जैसे हमने कल जो काम किया था वो क्या हो गया? भूतकाल हो गया। जैसे कल रात हम घूमने गए थे या कहीं गए थे, आप बताओगे, जैसे आप कभी होमवर्क नहीं करके तो हम लोग कहते हैं मैम कल शादी में चले गए तो इसे होमवर्क नहीं किया, या कहीं कोई काम था तो आप कहते हो ना, तो जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे रीना ने गीत गाया, गीत में गाना होता है ना, गाने को गीत भी कहते हैं। रीना ने गीत गाया, कल विद्यालय खुला था, ये क्या है? भूतकाल है, मतलब ये ऐसा हो चुका, भाई कल विद्यालय खुला था, अरीना ने गीत गाया, मतलब गा चुकी। अब हमने सेकंड नंबर पढ़ेंगे वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, मतलब तुरंत जो कर रहे हैं हम उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो पे पढ़ा रही थी, क्या हुआ? वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, मोहन खेलता है। अब है थर्ड नंबर भविष्यत काल। आने वाला समय भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं क्या होगा, हैं? जैसे हम कहें कि कल हम ये पढ़ाएंगे, या आप कल पूछें, हम लोगों से क्लास में पूछें मैम कल क्या पढ़ें, वो क्या होगा? भविष्यत काल, आने वाला समय भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ेंगे, भाई जब कल बच्चे विद्यालय आएंगे, स्कूल आएंगे, तब वो पढ़ेंगे। आज हम पिकनिक पर जाएंगे, भाभी हमको जाना है ना, तो ये क्या हुआ? भविष्यत काल हुआ। अब देखिए आपने सीखा, हम लोगों ने पढ़ा, तो अब देखिए क्या सीखा हम लोगों ने, ठीक। क्रिया के जिस रूप से
उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अगर आपसे कोई पूछ ले काल के कितने भेद होते हैं तो आप फट से बता दें काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। क्रिया का रूप काल के अनुसार बदलता है। क्रिया का जो रूप होता है वो किसके अनुसार बदलता है? काल के अनुसार। देखिए अभी क्या देखा, अभ्यास का मतलब एक्सरसाइज का नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटी सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी में, ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करिएगा। ओके। खा नंबर, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। निर्देशानुसार मतलब आदेश के, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अनुसार आपको बदलना। चेतन भोजन कर रहा है, भूतकाल, चेतन भोजन कर चुका था। अनुज समय पर स्कूल पहुंचेगा, वर्तमान काल। अनुज समय पर स्कूल पहुंच रहा है, क्योंकि वर्तमान काल में दिखाना है ना। थर्ड नंबर, सीता पार्क में पढ़ रही है, सीता पार्क में पढ़ेगी, क्योंकि भविष्य काल में लिखना है तो पार्क में पढ़ेगी। फोर्थ नंबर, वैभव कल मेरे घर आएगा, भूतकाल है, वैभव कल मेरे घर आया था। फिफ्थ नंबर, नीलिमा कल अपने मामा जी के घर गई थी, भविष्यत काल, नीलिमा कल अपने मामा जी के घर जाएगी, क्योंकि इसको हमको भविष्यत काल में लिखना है ना। अब देखिए शुरू जी लिखा है, आओ दोहराएं, या आपका होमवर्क है, मैं आपको समझा दूंगी उसी तरीके से आपको बुक में पेंसिल से करना है। ओके, पेन का यूज नहीं करेंगे, पेंसिल से करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को देखिए तथा उनके इनके नीचे भूतकाल तथा वर्तमान काल के दो दो वाक्य लिखिए। अब जैसे भूतकाल वर्तमान काल के दो दो वाक्य लिखने, किसान क्या कर रहा है, किसान खेत जोत रहा है, तो वो क्या होगा? जो काल होगा ना वर्तमान काल होगा, किसान क्योंकि खेत में जोत रहा है ना हल लेके, तो वर्तमान काल होगा। बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, ये भी वर्तमान काल होगा। उसने जो है आपको भूतकाल तथा वर्तमान काल के दो दो वाक्य देखिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है, फिर आके बुक चेक करूंगी मैं। आप है देखिए, हम लोगों ने लेसन 11 पढ़ा, बुक पढ़ी, बुक एक्सरसाइज की, आपको मैंने बुक में होमवर्क भी दिया, वो आपको कंप्लीट करना है। अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है ना। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण मतलब उदाहरण से देखिए, भूतकाल, पहले भूतकाल लिखना है, वर्तमान काल, फिर भविष्य काल। आंसर भूतकाल, बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। जैसे कल विद्यालय खुला था, क्योंकि वो बीत चुका है ना, कल विद्यालय खुला था, वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल है ना, एट प्रेजेंट में पढ़ाई हो रही है, तो वो क्या हुआ? वर्तमान काल हुआ। थर्ड नंबर, भविष्यत काल, आने वाला समय भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। जैसे बच्चे पढ़ेंगे, भाई बच्चे पढ़ेंगे, वो क्या है? भविष्यत काल है। समझ में आया स्टूडेंट? आपका होमवर्क है, आपको लेसन 11 पूरा बुक रीडिंग करनी है, बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। कॉपी कंप्लीट करके कॉपी चेक कराएंगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।